जी को बॉलीवुड डायरीज के तरफ से मैं राजरंजन मूवी अपडेट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अवतार द वे ऑफ वाटर जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित और 20th सेंचुरी स्टूडियोज़ द्वारा वितरित एक आगामी अमेरिकी महाकाव्य विज्ञान कथा की फिल्म है। अवतार 2009 की अगली कड़ी यानी अवतार फिल्म श्रृंखला की दूसरी कड़ी है। कैमरून जॉन लैंडो के साथ फिल्म का निर्माण कर रहे हैं और रिक जाफा और अमांडा सिल्वर के साथ पटकथा लिख रहे हैं, जो जोश फ्रीडमैन और शेन सार्लोनो के साथ लिखी गई कहानी पर आधारित है। कलाकारों के सदस्य सैम वर्थिंगटन, जो सल्दाना स्टीफन लैंग, जोएल डेविड मूर, सीसीएच पाउंडर, जियो वन्नी रिबसी, दिलीप राव और मैट गोराल्ड ने फिल्म में मूल अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाया, जिसमें सिगोरनी वीवर एक अलग भूमिका में लौट रहे हैं। नए कलाकारों में केट विंसलेट, क्लिफ कर्टिस, एडी फाल्को, जेमाइन क्लेमेंट और ब्रेंडन कॉबल शामिल हैं। 23 जुलाई 2020 को नवीनतम होने के साथ फिल्म की नाटकीय रिलीज बार बार देरी के अधीन रही है। वर्तमान में इसे 16 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित 3 सीक्वल के साथ रिलीज करने की योजना है, क्रमशः 20 दिसंबर 2024, 18 दिसंबर 2026 और 22 दिसंबर 2028 को जारी किया जाएगा। हालांकि बाद के दो द पावर ऑफ वाटर के व्यावसायिक स्वागत पर निर्भर होंगे। 350 से 400 मिलियन के अनुमानित बजट पर बनी ये फिल्म अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियोस और बनाएं और आप तक फिल्मी अपडेट्स पहुंचते रहे, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं राजरंजन, आपका प्रस्तुतकर्ता, सभी प्रशंसकों और दर्शकों को उनके बिना शर्त प्यार के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।